السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कल हमने इनिशियली जो IoT के हवाले से जो चीज़ें थी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले वो डिस्कस की थी। तो अगर नेक्स्ट 2 मिनट्स में उनके हवाले से कोई डिस्कशन या कोई पॉइंट या कोई क्यूरी है तो प्लीज़ वो आप शेयर कर लें या पूछ लें, अदरवाइज़ फिर हम आज जो मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड्स थी उनको रिव्यू करेंगे। तो अगर आप कल के हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी या कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें तो प्लीज़ शेयर करें हम सबके साथ। चलिए मेरे ख्याल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो कल हमने चीजें डिस्कस की थी IoT के हवाले से, उनके मेजर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? नंबर एक तो ये देखें कि वो सारी चीजें क्या करती हैं। नंबर एक तो ये कि आप किसी भी फील्ड में IoT इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेशन लेके आ सकते हैं, ठीक है, पहली तो काम ये हो गया। दूसरी बात ये कि उस ऑटोमेशन की मदद से आप उन चीजों में एडवांस एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। कैसे होती है, थोड़ा सा हम आगे भी जो अगले 4-5 पॉइंट्स हैं इसी स्लाइड में दिए हुए इसमें देख लेंगे। एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है और साथ साथ ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो भी निस्बतन कम हो जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या मेजर बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे जो दिए हुए हैं, वो है इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट। देखिए अगर आप किसी भी बड़े स्टोर पे जा रहे हैं तो वो लोग ना आपका रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, लाइक आपका वहाँ पे वो कस्टमर लॉग इन टाइप बन जाता है और देन फिर आप जब भी वहाँ से ख़रीदारी करते हैं ना तो क्या होता है कि आपके रिकॉर्ड के अगेंस्ट वो सारी शॉपिंग जो है रिकॉर्ड हो रही होती है। उससे क्या होता है कि आपके शॉपिंग ट्रेंड का आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर उस ट्रेंड को देखते हुए आइडिया लगा सकता है कि फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन नंबर ए है ये शलवार कमीज और वेस्ट कोट टाइप ही चीजें परचेज कर रहा होता है हमारे स्टोर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जुनेद जमशेद की बात करें या कोई और XYZ स्टोर है तो वो यूनिवर्स वाले हैं, उनके पास वो आता है कि यार ये कस्टमर जो है ना ये पेंट शर्ट में इंटरेस्टेड रहता है और इसकी ज्यादा जो परचेजेस होती हैं वो ब्लू के शेड्स में हो रही होती हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम जुनेद जमशेद वाली एक केस लें तो जब भी उनके पास वेस्ट कोट की नई वैरायटी आती है ना तो उस पर्सन को लाजमी ईमेल करेंगे बिकॉज वो उनका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उस टाइप की परचेजेस का, ठीक है। और इसी तरह से सपोज अगर यूनिवर्स वालों के पास ब्लू कलर का कोई नया शेड आता है या कोई नया पैटर्न आता है तो वो उस कस्टमर को जरूर इंगेज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये जो चीज़ है ये उस बंदे की पसंद की है, वो अक्सर इस तरह की परचेजिंग कर रहा होता है, उसका जो परचेज पैटर्न है वो इस हवाले से ना चल रहा होता है। तो इस तरह से देखें कि लोग कितनी ज़्यादा कस्टमर की आइडियाज, पसंद, लाइक्स, डिसलाइक्स को सामने रखते हुए अपनी फ्यूचर मार्केट स्ट्रेटजीज या फ्यूचर सेल्स स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जब आप कंप्यूटर को इन्वॉल्व करते हैं ना तो फिर अगर आपकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल ठीक है तो रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। ह्यूमन है ना, ह्यूमन कुछ भी प्लस माइनस कर सकता है, डिपेंड्स क्या उसके माइंड की कंडीशन क्या है। तो अगर एक बंदा बिल्कुल अच्छे मूड में है और फ्रेश माइंड के साथ है तो वो तो सेम कैलकुलेशन, सेम फार्मूला, सेम वर्किंग बड़े अच्छे तरीके से करेगा। बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर वो 6 घंटे गुजार चुका है या सपोज पिछली रात को सपोज उस बंदे का बच्चा बीमार था और वो सारी रात उसकी दीमारदारी के लिए जागता रहे तो जब वो सुबह काम पे जाएगा ना तो वो सारी रात की नींद लाने ले का प्रॉब्लम, फिर वो बच्चे की बीमारी की परेशानी, ये सब मिलके ना उसके दिमाग को डल कर दें।
देन वो एफिशिएंसी या वो एक्यूरेसी नहीं दिखा सकेगा जिस तरह के वो फ्रेश माइंड के साथ जब आता था तब दिखाता। तो मे बी वो कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो उसने उसमें एरर कर दी हो, कोई टाइपिंग कर रहा है तो उसमें उसे कोई चीज़ें छोड़ दी हों, कोई प्रेजेंटेशन देने लगा है तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाए उस परेशानी की वजह से ना, जिसकी वजह से उसका दिमाग जो है वो मल्टीपल जगहों पर अपनी कंसंट्रेशन उसकी इन्वॉल्व हुई हुई है। लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो टेक्निकली कंप्यूटर को आप जो भी चीज़ देंगे वो मुकम्मल ऑप्टिमाइज तरीके से उसको परफॉर्म करेगा और बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसा कि उसको कोड किया गया। उसमें ये नहीं होगा कि पहले घंटे में परफॉर्मेंस कुछ हो रहा है, अगले घंटे में परफॉर्मेंस कुछ हो रहा है, मंडे वाले दिन परफॉर्मेंस कुछ हो रहा है और जुमे वाले दिन परफॉर्मेंस कुछ हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये बेनिफिट हो जाता है। फिर इंसान है, हाथ बह की जाता है बंदे का। तो सपोज अगर हमने कल एक एग्जांपल ली थी कि हम कोई जूता बनाने वाली फैक्ट्री थी जिसके अंदर कटिंग्स हो रही थी ना चमड़े की, तो अगर इंसान है मतलब लेबर लगी हुई है तो ज़ाहिर है उसके शुरू के 3 घंटे जो है उसमें वो लोग फ्रेश होते हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी सीधी लाइंस में वो चमड़ा काट रहे होंगे। लेकिन 3 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद ज़ाहिर है उनके बाजू के मसल्स में वो थक जाते होंगे, तो उसके बाद शायद उनके हाथ में वो एक्यूरेसी नहीं रहे, वो मे भी थोड़ा सा लाइन टेढ़ी काट दें, ठीक है। उससे क्या हो कि आपका वो जो चमड़ा है वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ज़ाया हो रहा हो ना। लेकिन मशीनों का क्या है कि मशीनें अगर 24 आवर्स भी वर्क कर रही हैं और उनमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है तो 100% उसी एक्यूरेसी के साथ 100वां पीस ऑफ लेदर भी काट रही होंगी जिस एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ उन्होंने पहला पीस ऑफ लेदर जब डे वर्क स्टार्ट हुआ था उस वक्त काटा था, ठीक है। तो आपका जो वेस्टेज होता है ना वो इस तरह के एस्पेक्ट्स में जब आप डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन इन्वॉल्व करते हैं तो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपने वो जो ऑटोमेटिक कटिंग है उसका पैटर्न बिल्कुल सही सेट किया है तो आपको वेरी लेस वेस्टेज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है कि वेस्टेज मीन्स आपकी जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो हाई होती है और आपका प्रॉफिट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इंसान है, सपोज आपकी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया जो कि आपने 1 महीने में डिलीवर करना है, तो आप कहते हैं कि जी आज से हम 8 घंटे की जगह ना शिफ्ट को 12 घंटे पहले जाने लगे और 4 घंटे का हम आप सबको ओवर टाइम देंगे, तो आप सबने 12 घंटे मतलब आज से 1 महीने तक काम करना है। 8 घंटे की तो आपको रेगुलर तनख्वाह मिल ही मिल रही है लेकिन 4 घंटे का हम आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम देंगे और ताकि हम ये लोग इस ऑर्डर को पूरा कर सके ना। अब क्या होगा कि सपोज आपकी फैक्ट्री में 100 बंदे हैं, 100 में से 60 मान जाएंगे, 20 रेजिस्ट करेंगे और बकाया 20 जो हैं वो तो बिल्कुल इनकार कर देंगे सिरे से कि नहीं जी हम आपकी मजीद मतलब 8 घंटे से ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते, हमारे ये मसले हैं वो मसले हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको बड़ा मसला बनेगा, फिर आप या तो उनको बनाएंगे या फिर आपको मजीद इंसेंटिव देने पड़ेंगे या आपको 80 या 60 बंदों के साथ ही काम करना पड़ेगा, बाकी के जो 20 या 40 लोग हैं वो 8 घंटे काम करने के बाद चले जाए करेंगे, ठीक है। फिर आपको इस तरह के मामलात और मसाइल का सामना पेश करना पड़ सकता है जब आप ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मशीन्स हैं, आपने अपनी फैक्ट्री में मेजर मशीन्स लगाई हुई हैं, वो मशीन्स को पहले आप सुबह 9 बजे ऑन करके 5 बजे ऑफ कर देते थे, तो अब अगर आप उनको सुबह 9 बजे ऑन करके रात को 9 बजे ऑन करते हैं तो ऑफ करते हैं तो मशीन्स आपको कुछ नहीं कहेंगी कि आपने हमें 5 बजे क्यों ही ऑफ किया और 4 घंटे एक्स्ट्रा क्यों चलाए। हाँ, ये एक अलग बात है कि आपकी वो जो मशीन की वेयर एंड टीयर है, उसकी जो मेंटेनेंस है, उसका आपको ज़रा थोड़ा ज़्यादा ख्याल करना पड़ता होगा। पहले आप उसका जो ऑयल है वो हर 15 दिन बाद अगर आप उसको देते थे, अब आप उसको ज़्यादा चला रहे हैं तो शायद आपको हर 5 या 6 दिन के बाद देना पड़े, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मशीन्स आपको ये इशूज़ नहीं देंगी कि यार कोई कह रहा होगा कि मैंने करना है, कोई कह रहा होगा नहीं करना वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली जो है ना इंटीग्रेटेड एंड अडॉप्ट बिजनेस मॉडल, ये थोड़ी सी मिसाल थोड़ी हटके थी लेकिन चूंकि देसी सी मिसाल थी ना तो आसानी से समझ आते। तो आप इस तरीके से ना अगर कोई बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने वे ऑफ वर्किंग में तो आप बड़ी आसानी से ना सिर्फ उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री में। तो आपको मशीनें रेजिस्ट नहीं करती, ऑटोमेशन रेजिस्ट नहीं करती, और जाहिर है ऑटोमेशन आती है IoT की मदद से, सही। उसकी जगह अगर इंसान होंगे तो इंसान में से हो सकता है कि 500 बंदे हैं तो 500 में से 250 आपकी पॉलिसीज या वो जो नया मॉडल है मान जाए और बकाया 250 कहें नहीं यार हम तो जिस तरह पिछले 4 सालों से काम करते आ रहे हैं हम तो वैसे ही करेंगे, कि नई टेक्निक हमें समझ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल देखिए कंप्यूटर की इंटरवेंशन है, कंप्यूटर को आप इन्वॉल्व करें किसी ऑफिस के इन्वायरमेंट में
तो बहुत से लोग तो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे नहीं भाई हम तो 20 साल हो गए सर्विस करते हुए, हमसे तो भी चीज़ें नहीं सीखी जाती, हमें तो कंप्यूटर की समझ नहीं आती। अब आप चाह रहे हैं कि अपना कंप्लीट पेपर लेस ऑफिस बनाएं, कि जिसके अंदर कोई भी काम पेपर के ऊपर प्रिंट ना हो रहा हो, बल्कि आपकी जो भी ऑफिस की सारी डॉक्यूमेंटेशन और एंड एवरीथिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए कंप्यूटर के थ्रू। अगर आपने किसी को कोई नोट भिजवाना है तो आप लाइक थ्रू ईमेल्स भिजवाएं वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या होगा कि अब वो लोग जो हैं वो हर्डल बन जाएंगे। जो लोग तो कंप्यूटर थोड़ा जान छान मार के सीख लेंगे, या जो नए यंग जनरेशन आपने वहाँ पे अपॉइंट की है वो तो जानती होगी इन चीज़ों को, लेकिन जो पुराने बाबे शाबे हैं जिनको 10-15 साल हो गए किसी एंटरप्राइज की बात करें, और उनमें से कुछ कहेंगे जी हमसे तो ये इस उम्र में सीखी नहीं जाती चीज़ें। अब क्या होगा कि अब आपका वो जो फुली पेपरलेस एनवायरनमेंट का ख्वाब है वो अधूरा रहना शुरू हो जाएगा उन लोगों की वजह से जो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। तो इस तरह के इश्यूज आपको सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर आप IoT या ऑटोमेशन को ले आते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो आपको इस तरह के मॉडल्स अडॉप्ट करने में और अपने वे ऑफ वर्किंग को चेंज करने में बड़ी आसानी पैदा हो सकती है, और बेटर बिजनेस डिसीजंस आप ले सकते हैं यूजिंग द डेटा विच इज बीइंग कलेक्टेड और प्रोवाइडेड बाय IoT। इस तरह की मैं एग्जाम्पल दी थी कि आप बिहेवियर पैटर्न देखते हैं कि परचेज कर रहा है कोई बंदा इस तरह की चीज़ें, तो अब आप बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं कि यार फॉर एग्जाम्पल मेरे पिछले माह में 40% लोगों ने इस टाइप की चीज़ खरीदी थी, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ की मार्केट डेवलप हो रही है, तो वाई नॉट कि मैं अभी से उस चीज़ के मजीद ऑर्डर भिजवा लूँ, ताकि ये 40 मतलब आप देख रहे थे कि यार जो जनवरी आया तो जनवरी में फॉर एग्जाम्पल वेस्ट कोट खरीदने का ट्रेंड था, 30% लोगों ने वेस्ट कोट खरीदी, फरवरी आया तो 40% लोगों ने खरीदी कस्टमर्स ने, मजीद अगला महीना आया तो मजीद उसमें इजाफा हो गया, तो आप देख रहे हैं कि यार एक ट्रेंड इंक्रीज कर रहा है वेस्ट कोट्स का। तो आपने एंटिसिपेट कर लिया कि ट्रेंड इसी तरह इंक्रीज करता रहा, तो अगले 6 महीनों में अगर पहले मेरी 1 महीने में 1,000 वेस्ट कोट्स बिक रही थी, तो अब मे भी शायद मेरी इसी तरह ट्रेंड चलता रहा तो मेरी 3,000 बिकना शुरू हो जाए, तो 3,000 के वाले से आप पहले से ही ऑर्डर लेने जा रहे हैं। देखिए ना बिजनेस में भी होता है कि आप जितनी ज़्यादा बल्क अमाउंट में ऑर्डर करेंगे उतना आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, और कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स अचीव हो जाती है। तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए अब आपने ट्रेंड देखा यार अगले 6 महीनों में ये ट्रेंड इंक्रीज कर रहा है, तो आपने अगले 6 महीनों का एंटिसिपेटेड जो आपकी सेल्स होनी थी उसका आपने ऑर्डर एक ही बार दे दिया। उससे क्या हुआ कि अगर वो भी वेस्ट कोट आपको फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये की पड़नी थी, वो आपने चूंकि ज़्यादा ऑर्डर दे दिया तो शायद आपको 7,000 की पड़ना शुरू हो जाए, और इस तरह से आप एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। इस हवाले से जो IoT है जो है वो चूंकि डाटा गैदर भी कर रही होती है एनवायरनमेंट से, और उस डाटा की बेस पे आप मॉडल्स बना के फिर उसकी मदद से इम्प्रूव्ड और इंटेलिजेंट बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं अपने फ्यूचर के हवाले से प्रिडिक्शन और ट्रेंड एनालिसिस करके, ठीक है। और ये जो IoT के जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से IoT इतना तरवीज पा रही है आजकल के दौर में, वो मंदरजा झेल हैं। नंबर एक तो है मिनिएचराइजेशन, जो हमारी कंप्यूटर की जो ICs हैं जो सर्किट्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। अब एक ज़माने में एक सादा सा कंप्यूटर आप वो समझ लें जिस तरह का आजकल वो जो बटन के टच मतलब टच बटन वाले जो मोबाइल, एक होता है टच वाले मोबाइल, एक होता है बटनों वाले मोबाइल जो पुराने ज़माने के होते थे, तो उस टाइप के मोबाइल्स में जो प्रोसेसर अभी आ रहा होगा उतनी पावर का प्रोसेसर आज से 30 साल पहले शायद एक कमरे में आता होगा, या 40 साल पहले एक कमरे में आता होगा पूरे, और ज़्यादा पावर लेता होगा एवरीथिंग, ठीक है। अब उससे ज़्यादा पावर शायद हमारे हाथ में बटनों वाले मोबाइल में होती है, टच वाले की बात नहीं कर रहा, ठीक है। टच वाले तो हमारे लैपटॉप्स को मात दे रहे हैं। अभी जो प्राइमरी इस वक्त इस प्रेजेंटेशन में जो लैपटॉप यूज़ हो रहा है वो 4 GB RAM वाले, ठीक, और उसके साथ ही मेरा जो मोबाइल पड़ा हुआ है वो भी 4 GB RAM वाला है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि देखें वो लैपटॉप का साइज़ देखें और उस मोबाइल का साइज़ देखें, लेकिन प्रोसेसिंग पावर में भी जो वो मोबाइल है उसका प्रोसेसर ज़्यादा एफिशिएंट हो, चलें उस हवाले से देखें कंप्यूटिंग पावर के हिसाब से, ठीक है, रैम के हिसाब से दोनों बराबर हैं। तो इस हवाले से देखिए कि वो मिनिएचराइजेशन होती जा रही है, कि पावर या एफिशिएंट प्रोसेसिंग का साइज जो है ना बड़ा स्केल डाउन होता जा रहा है, जिसकी मदद से आप बड़े छोटे छोटे सेंसर्स बनाने के काबिल हो गए,
और बताने का मकसद ये, इससे फायदा ये होता है कि वो जो मिनिएचराइज्ड आईओटी डिवाइसेस हैं ना, वो छोटी छोटी डिवाइसेस बना के आप किसी भी चीज में एम्बेड कर सकते हैं। अगर वो बड़ी बड़ी होती, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी चीज को ट्रैक करना है और उसका साइज है एक मैच बॉक्स जितना, तो चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कोई डिवाइस है, तो अगर उसमें आपने वो सेंसर लगाने हैं तो सेंसर का साइज अगर उसी डिवाइस के साइज का हो या उससे हाफ साइज का हो, तो आप देखें कि वो जब आप सेंसर उस डिवाइस में लगाएंगे तो उस डिवाइस के साइज में कितना इजाफा कर देगी। लाइक अगर वो सेम साइज के हैं, तो पहले अगर डिवाइस 1 इंच बाय 1 इंच की थी, तो आप उसमें 1 इंच बाय 1 इंच का सेंसर लगा देंगे तो उसका डिवाइस का साइज ही 2 बाय 2 इंच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि अब मे बी शायद वो 1 बाय 1 इंच की डिवाइस में आप 1 सेंटीमीटर साइज का सर्किट लगा दें जो कि कोई खास काम कर रहा हो, ठीक है, आईओटी का। तो इस तरह से सेंसर्स की जो मिनिएचराइजेशन या सर्किटरी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मिनिएचराइजेशन आई, उसकी वजह से बहुत छोटे छोटे सेंसर्स बनाने के ऊपर जो है ना, लोगों को अबूर हासिल हो गया, कंपनीज को अबूर हासिल हो गया। और देन वो छोटे छोटे सेंसर जो है ना, फिर उन्होंने हर एक चीज में एम्बेड करने की सोच ली, ठान ली, और अब उस पर काम शुरू हो गया। फिर सेकेंड चीज़ आई कनेक्टिविटी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स ना। पहले ज़माने में ज़ाहिर है जिस तरह वायर्ड फोन होते थे, फिर उनकी स्पीड बड़ी कम होती थी, देन फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी आई, और फिर होते होते स्पीड्स में इन्हेंसमेंट आनी शुरू हुई, वाईफाई हो गया, उसके बाद फिर 4G 3G आए, और अब 5G आ रहा है। तो जो आपकी कनेक्टिविटी है उसमें एक तो दो बड़े ज़बरदस्त फैक्टर आए। पहली तो चीज़ थी वायरलेस कनेक्टिविटी, उसमें आपको वो तारों के गुंजल से निजात दिलाती। अब ये है कि अगर आपने सेंसर से डेटा लेना है, तो अब आप पहले तो पॉसिबल इसलिए नहीं होता था कि अब हर चीज़ में अगर सेंसर लगा रहे हैं तो कि हर चीज़ में से तारे निकालेंगे, वो तारे निकाल के लाके इनको किसी सेंट्रल जगह पे जोड़ेंगे और डेटा लेंगे, और देन वो तारे लगी होंगी तो फिर वो जो सेंसर वाली डिवाइस है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकेगी ना, उसकी लिमिट उतनी होगी, उतनी दूर जा सकेगी जितनी लंबी तार है, तो वो एक मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन जब से ये वाला एस्पेक्ट स्टार्ट हुआ कि हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजीज आएंगी कनेक्टिविटी के लिए, तो देन फिर ये जो है ना आईओटी ने एकदम से बहुत ज़्यादा बूम लिया, और आसानी पैदा हो गई कि हम लाइक वायरलेस प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भिजवा सकें। और देन फिर जो जो स्पीड बढ़ती गई कम्युनिकेशन की, लाइक 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G हुआ, या वाईफाई वाले चीज़ जो है वो आम हुई, तो या उसके अलावा भी कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आईओटी के हवाले से बने हुए हैं और उनके डाटा को लाने ले जाने में काम आते हैं, और ये शायद हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, शायद काफा वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो उनकी मदद से क्या हुआ कि आपकी कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव कर रही है, और ये पॉसिबल हुआ कि आप डाटा को डिवाइसेस में इन्वायरमेंट से सेंस करके लें और देन फिर उसको शेयर करें और फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करें, और प्रोसेसिंग करके उसे इंटेलिजेंट बिजनेस डिसीजंस की तरफ जाएं। फिर तीसरी चीज़ जो सेंसर्स को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, बल्कि उनकी लाइफ लाइन है, वो है पावर। तो पावर भी नंबर एक तो ये कि कितनी देर तक वो सेंसर इनेबल रहेगा, कितनी देर तक वो सेंसर अपना काम करता रहेगा, और सेंसर का साइज़ क्या होगा। और जाहिर सेंसर का साइज़ से मुराद ये कि जिस डिवाइस में आप सेंसर एम्बेड कर रहे हैं उसका साइज़ भी फर्क आएगा। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर कर रही होती थी पावर के ऊपर। तो पावर में भी ऐसा ही था कि पहले जो पावर थी वो लिमिटेड होती थी और साइज में बड़ी होती थी। आपने शायद अभी भी वो पेंसिल सेल्स सीखे होंगे जो रिमोट वगैरह में डलते हैं, ठीक है, तो उनका साइज निस्बतन बड़ा होता था, हैवी भी होते थे, और उनकी पावर भी बड़ी कम होती थी। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि तो नंबर एक ये कि उस पावर सोर्स के साइज की वजह से सेंसर्स का साइज इंक्रीज कर जाता था, वो जिस डिवाइस में आप लगा रहे होते थे उसका साइज इंक्रीज कर जाता था, और उसको फिर पावर लिमिटेड टाइम के लिए मिल रही होती थी, जितना उस पावर सोर्स का जूस था उसके अंदर उतनी देर तक उसको रन कर सकती थी। अब जिस इस तरह से पावर सोर्सेज में तरक्की हुई, पावर मैनेजमेंट में तरक्की हुई, और इसी तरह से मिनिएचराइजेशन की वजह से सर्किट्स की भी जो पावर रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम हो गई, इधर से जो बैटरी बैंक से वो थोड़े हैवी हो गए, तो उसकी वजह से भी आईओटी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आया कि उसने अब खुल के मतलब फैलना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रोसेसर्स की वैल्यू या प्राइजेज में, सेंसर्स की प्राइजेज में, एक्चुएटर्स की प्राइजेज में काफ़ी कमी आई, और उस कमी की वजह से ये इकोनॉमिकली फिजिबल होना शुरू हुआ कि आप जिस डिवाइस में चाहें
सेंसर लगाएं और डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दें। मतलब देखें, अगर आप 3,000 की कोई चीज़ बना रहे हैं, अब उसमें जो सेंसर्स आप लगा रहे हैं वही अगर 3,000 के लग जाएं, तो डिवाइस की प्राइस होगी ना 6,000, तो 6,000 वाली डिवाइस कम लोग खरीदेंगे। लेकिन अगर वही 3,000 की प्राइस है डिवाइस की और उसमें आपका जो सेंसर्स का खर्चा आ रहा है वो 300 आ रहा है, तो 3,300 मतलब मेयर इजाफा हो रहा है उस डिवाइस की प्राइस में सेंसर ऐड करने की वजह से। लेकिन वो जाहिर है उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो ह्यूज होंगे। तो इस तरह से जब इन एक्सपेंसेस प्रोसेसर सेंसर और एक्टुएटर्स आना शुरू हुए, उसकी वजह से आईओटी की तरवीज बहुत ज़्यादा बूम पे पहुंच गई। फिर इतने ज़्यादा डाटा को कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस अगर ना किया जाए तो फिर वो डाटा कलेक्ट करने का फ़ायदा ना होता, ठीक है। और वही बात है कि उस वक्त कंपनीज के पास लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर होती है, ज़ाहिर है कंप्यूटिंग पावर के लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेंसर लगाए और अब आपने डाटा कलेक्ट करना है, उसके लिए आपको 6 कंप्यूटर चाहिए, थोड़े हैवी, 16 16 GB रैम वाले, 6 सर्वर चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो ज़ाहिर है वो भी काफ़ी कॉस्टली आएंगे, उसके ऊपर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग का जब एरा आया, तो उसने पॉसिबल कर दिया कि अब आपको फॉर एग्जाम्पल उन डाटा की प्रोसेसिंग करवाने के लिए वो जो 16 16 GB वाले 6 कंप्यूटर आपने खरीदने थे, और फॉर एग्जाम्पल हर कंप्यूटर $10,000 का था फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ₹60,000 इनिशियली चाहिए थे सिर्फ प्रोसेसिंग एक्टिवेट करने के लिए। वो चीज़ ख़त्म हो गई। आपने क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग की किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से आपने वो 6 सर्वर 16 GB रैम वाले काइंड ऑफ रेंट पे ले लिए, तो उनसे आपका कमिटमेंट होगी कि ठीक है जी, हम आपको $100 per month रेंट देंगे, ठीक है, और हम आपके वो यूज़ करेंगे कंप्यूटर। अब आप देखें कि कहाँ $60,000 और कहाँ $600 per month, यानी कि $100 अगर पर कंप्यूटर की वो है रेंट है, तो आप देखें वही 16 GB वाली रैम के कंप्यूटर लेने के लिए आपको पहले इनिशियली स्टार्ट के टाइम पे ही $60,000 चाहिए थे अगर $10,000 का एक कंप्यूटर हो, ठीक है। लेकिन अब आपको वही पावर वही प्रोसेसिंग सिर्फ $600 per month में मिलना शुरू हो गई, ठीक है। तो आपकी जेब से बहुत कम पैसे निकले। पहले क्या होता था, पहले कंपनी सोचती थी ये $60,000 कहाँ से आएंगे, हमारा असल काम तो कुछ और है, हम फॉर एग्जाम्पल फ्रिज बना रहे हैं, तो हमें ये $60,000 कंप्यूटर्स के ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं, जो कि हमारा डायरेक्टली लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है। सिर्फ हम सेंसर से डेटा लेके इसको प्रोसेस करने के लिए हमें $60,000 एक तरह के डंप करने पड़ रहे हैं कंप्यूटर्स में, हार्डवेयर में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो कंपनी कहती है ठीक है, अगर हम अपने कुछ स्मार्ट फ्रिज बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ $600 खर्च करके अमेजन से सर्वर ले लेंगे किराए पे, और उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट करवा देंगे। तो उनका इनिशियल ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़ी कम हो गई ना, जिसकी वजह से उनको आसानी हुई इस बात में कि वो ये जो स्मार्ट फ्रिजेस वाली या स्मार्ट डिवाइसेस वाली साइड पे जाएं, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बड़ी कम हो गई, उनको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा था। $600 लगाते हुए कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन $60,000 लगाते हुए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है बिजनेस डिसीजन लेते हैं ना। और फिर यूबिक्यूशियस कंप्यूटिंग, ये क्या चीज़ है, ये है कि कंप्यूटिंग इन एवरीथिंग। अब देखिए, हमारे पास जो जो ये ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं, या जो भी नए मॉडल ऑफ द कार आ रहे हैं जिनमें EFI इंजन वगैरह चल रहा होता है, इनके अंदर हर चीज़ के ऊपर सेंसर्स लगे हुए, ब्रेक है उस पर सेंसर लगा हुआ है, आपके इग्निशन है उस पर सेंसर लगा हुआ है, आपके जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाली चाबी है उसमें सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपकी गाड़ी में कोई ख़राबी हो गई है, तो उसके लिए आप बजाय इसके कि वो गाड़ी खोल कर मैकेनिक उसको ढूंढता रहे चला चला के और टेस्टिंग कर करके और तारे खींच खींच के, वो जस्ट अपनी डिवाइस उस गाड़ी के मेन कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, और वो कंप्यूटर खुद से एनालिसिस करके उसको बता देता है कि मेरे अंदर ये ख़राबी पैदा हो रही है। और वो कैसे पता चलता है, वो सेंसर्स लगे होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि फ़लाँ चीज़ बिल्कुल ठीक काम कर रही है, और वही सेंसर्स लगे होते हैं जो बता रहे होते हैं कि फ़लाँ चीज़ ठीक काम नहीं कर रही। तो फिर वो सेंसर की रिपोर्ट होती है, वो जब ट्रांसफ़र होती है आगे मैकेनिक के पास, मैकेनिक को उस रिपोर्ट की मदद से पता चल जाता है कि जी फ़लाँ फ़लाँ सेंसर रिजल्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि उन एरियाज़ में ख़राबी आई हुई, ठीक। तो इस तरह से कंप्यूटिंग जो है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ी से हर चीज़ में इम्प्लीमेंट होती जा रही है, और उसकी मदद से ये जो IoT वाले जो एरिना है वो अब बूम पकड़ता जा रहा है। अच्छा, इस एरिना में, अच्छा अभी हो रहे हैं 10:15, तो अभी हमने आपसे कोई क्वेश्चन आंसर सेशन भी करना था, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ बता दें, वरना फिर हम इस
स्लाइड को डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ तक किसी को की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो प्लीज बताइए। ओके फाइन जी, इस डायग्राम में एक आईओटी सेटअप का आर्किटेक्चर बताया गया जो कि ये बता रहे हैं कि हमारी नंबर एक तो ये कि आईओटी के आर्किटेक्चर में कितनी लेयर्स होती हैं। तो जनरली इसमें 5 लेयर्स हो रही होती हैं जिसके ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आईओटी आ रहे होते हैं। वो कौन कौन सी लेयर्स हैं? नंबर एक तो ये कि एंड यूजर साइड के ऊपर आईओटी डिवाइसेस वाली लेयर है, देन फिर लोकल नेटवर्क वाली लेयर है, फिर ग्लोबल नेटवर्क वाली लेयर है, फिर क्लाउड सर्विसेज वाली लेयर है, एट द एंड फिर यूजर इंटरफेस वाली लेयर है। अब हम वन बाय वन इन सारी लेयर्स को ना थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आईओटी डिवाइस वाली बिल्कुल एंड वाली लेयर है, उसमें क्या होता है कि आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपके एरिया में, आपके इलाके में, आपके शहर में सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, वो सेंसर किसी भी तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरे का सेंसर हो सकता है, तो वगैरह कैमरा के अंदर भी सेंसर लगा होता है ना, जो इमेज को सेंस करता है और देन उसको फिर आगे भिजवाता है या जो भी उसमें प्रोसेसिंग करनी होती है। कैमरा हो सकते हैं, आपका जो थर्मोमीटर या ये जो टेम्परेचर के सेंसर हो सकते हैं, जिस तरह के इसके अंदर ये जो दिखाया जा रहा है, ये नेस्ट का एक टेम्परेचर मेजरिंग टूल है जो कि आईओटी डिवाइस है, जो कि नेट के ऊपर डेटा फेंक रहा होता है आपके, या जिस जगह पे आपने इसको इंस्टॉल किया होता है उस एरिया का टेम्परेचर लेके। देन फिर वेरिएबल हैं लाइक आपके बैंड्स हैं, आपकी स्मार्ट वॉचेस हैं, उसके अलावा डिफरेंट तरह के मेडिकल बायोलॉजिकल सेंसर्स आ रहे होते हैं, वो हैं। और फिर जिस तरह गाड़ियों में आजकल डिवाइसेस फिट होती हैं जो कि करंट लोकेशन सेंस करके बता रही होती हैं अपने मेन एरिया को, लाइक सेंस कर रही होती है इस लेवल के ऊपर इस वक्त जो गाड़ी है ये इस वक्त पूरी दुनिया में कहाँ पे इस लोकेशन पे। ठीक है, उसमें लोकेशन सेंसर्स आ गए, बॉडी सेंसर्स आ गए, बायोलॉजिकल सेंसर्स आ गए, टेम्परेचर सेंसर्स आ गए, कैमरा सेंसर आ गए और इस तरह के बेशुमार सेंसर्स। ये होती हैं आईओटी डिवाइसेस जो कि कुछ डिवाइसेस में सेंसर्स बिल्ड हुए, मतलब एम्बेड हुए होते हैं और वो अपना एक खास काम कर रहे होते हैं, वो एनवायरमेंट से खास तरह का डेटा सेंस कर रहे होते हैं। फिर सेंस करने के बाद वो क्या करते हैं, वो सेकेंड लेयर पे जो लोकल नेटवर्क के ऊपर डिवाइसेस होती हैं जिनको आईओटी गेटवे कहा जाता है, उनसे कनेक्ट होते हैं और उनसे कनेक्ट होके अपना डाटा उनके थ्रू क्लाउड पे भिजवा देते हैं। अब यहाँ पे ना दो तरह के नेटवर्क आ सकते हैं, या लोकल नेटवर्क आ सकता है या ग्लोबल नेटवर्क आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है उसका स्कोप क्या है। अब अगर एक कैमरा है जो कि घर में एक फैक्ट्री में लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर है जो किसी फैक्ट्री या किसी प्लांट में लगा हुआ, या वेरिएबल है जो कि किसी इंसान ने अपने हाथ पे, कलाई पे, बाजू पे पहने हुए, या किसी पेशेंट को उन्होंने लगाए हुए, लाइक वो पेशेंट एडमिट है सीसीयू में, तो उसके सीने की धड़कन मॉनिटर करने के लिए, बीपी मॉनिटर करने के लिए और उसमें की बला बला मॉनिटर करने के लिए उसके जिस्म के ऊपर उन्होंने सेंसर्स टच किए हुए। ठीक है, तो इन सारे केसेस में वो क्या करेगा कि वो अपने लोकल एरिया में, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का जो लोकल गेटवे होगा आईओटी, अगर हॉस्पिटल है तो जो हॉस्पिटल का लोकल आईओटी गेटवे होगा, या कैमरा किसी घर में लगा हुआ है या फैक्ट्री में या किसी प्लांट में या किसी दुकान में लगा हुआ है, तो उसका जो लोकल दुकान का आईओटी गेटवे होगा ना, उससे कनेक्ट होगा और उसको डेटा देगा। अभी कनेक्टिविटी बाय वायर भी हो सकती है, बाय इथरनेट भी हो सकती है, बाय वाईफाई भी हो सकती है, बाय ZigBee भी हो सकती है और व्हाटएवर ब्लूटूथ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो अपने लोकल आईओटी गेटवे को देगा। लेकिन अब देखें, अगर हम इसकी जो शुरू वाली मिसाल है जो कि गाड़ी की मिसाल है और गाड़ी के अंदर कोई सेंसर लगा हुआ है जो कि लोकेशन सेंस कर रहा है, तो आप देखें कि जो गाड़ी है वो गाड़ी किसी घर में तो नहीं खड़ी हुई, हर घर घर में तो नहीं खड़ी हुई रहेगी, उसमें लोकल गेटवे से कनेक्ट होगा। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि इसको हम किसी ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट करवा देंगे।
ग्लोबल नेटवर्क से मुराद ये है कि हम उस गाड़ी के अंदर वो जो सेंसर लगा है उस सेंसर के साथ एक सिम मॉड्यूल लगा देंगे, और उस सिम के अंदर हम 5G कनेक्टिविटी या 4G कनेक्टिविटी इनेबल करवा देंगे। जिस तरह जोंग की हमने सिम डाल दी और जोंग का 4 या 5 GB पर मंथ का या 10 GB पर मंथ का डाटा उस सिम पे एक्टिव करवा दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो गाड़ी के अंदर सेंसर लगा हुआ है वो हर एक मिनट के बाद करंट GPS लोकेशन फाइंड आउट करेगा, सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद थ्रू 4G कनेक्टिविटी वो अपने क्लाउड के ऊपर भिजवा देगा। फिर अगले एक मिनट के बाद फिर एक्टिव होगा, फिर सेंस करेगा, और फिर वो जो करंट लोकेशन है वो टाइम वो क्लाउड पर भिजवा देगा, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि गाड़ी चूंकि मूवेबल चीज़ है या आपकी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है जो कि मूवेबल है, मोबिलिटी है जिसके अंदर, उस केस में फिर आप लोकल IoT गेटवे यूज करने की जगह ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, लाइक 4G या इस तरह की चीजें, ठीक है। और इन दोनों के थ्रू या इधर IoT गेटवे या ये जो ग्लोबल नेटवर्क है उसके थ्रू, या कंबाइंड कोई हाइब्रिड एप्लीकेशन भी हो सकती हैं जिनको जब लोकल IoT गेटवे मिले तो उसके थ्रू भिजवाते हैं, और अगर लोकल नहीं मिल रहा तो ग्लोबल वाले के ऊपर सेकेंड लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं और उसके थ्रू भिजवाते हैं। इस तरह से करते हुए क्या करेंगे, ये क्लाउड के ऊपर अपना डाटा भिजवाएंगे जो इन्होंने एनवायरनमेंट से सेंस किया। क्लाउड के ऊपर हमारा ये जो IoT सिस्टम है उसका दूसरा एस्पेक्ट चल रहा होगा, वो था डाटा सेंडिंग मोड, ये जो हमारी IoT डिवाइसेस में लगा हुआ था, और क्लाउड सर्विसेज पे IoT का डाटा रिसीविंग एप्लीकेशंस चल रही होंगी जो कि IoT डिवाइसेस से डाटा रिसीव करेंगी, उसको प्रोसेस करेंगी, उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगी, और यूजर इंटरफेस के थ्रू जो आपका एप्लीकेशन का या सिस्टम का एंड यूजर है ना उसको वो सारे का सारा डाटा भिजवा देंगे, ठीक है। और वो फिर देखेगा ओके यार फाइन ये ट्रेंड चल रहा है, मेरी फलां गाड़ी इस वक्त यहाँ पहुंची हुई है, मेरी फैक्ट्री में फलां प्लांट का टेम्परेचर इतना जा रहा है, या तो मेरे पेशेंट्स हैं उनका करंट स्टेटिस्टिक वाइटल्स क्या आ रहे हैं, उनका BP कितना है, उनका शुगर लेवल कितना है, उनकी हार्ट बीट कितनी है फॉर एग्जाम्पल, या मेरे घर में या मेरी फैक्ट्री में इस वक्त करंटली क्या पोजिशन है, मैं लाइव व्यू देख सकूँ यूजिंग द कैमरा इमेजेस को जो उस कैमरा के सेंसर ने सेंस किए हैं, ठीक है। ये सारा वो सिलसिला है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं IoT की आर्किटेक्चर की, ठीक है। तो हमारे पहले सेशन का टाइम हो रहा है यहाँ पे एंड, यहाँ पे मैं आप लोगों से लेता हूँ 5 मिनट के लिए इजाज़त। तो हम ऐसा करेंगे कि हम 10:30 के ऊपर सेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे, तकरीबन 6 मिनट की ब्रेक होगी, 6-7 मिनट की, और उस वक़्त फिर मैं इस के ऊपर आप से रिव्यू भी ले लूंगा, आप उसकी कोई क्वेश्चन होंगे वो भी आंसर कर दूंगा, और देन फिर हम यहाँ से इस आर्किटेक्चर से आगे चलेंगे, ठीक है। तो अभी जो अगले 6 मिनट हैं उनको आप यूटिलाइज कर लें इसको, और से पिछली वाली जो स्लाइड्स अभी तक हमने देखी हैं वो थोड़ा सा रिव्यू कर लें, ताकि फिर हम एक अच्छे क्वेश्चन आंसर के सेशन के साथ इससे आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ ब्रेक, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से 10:30, 10:30 में, अभी मेरे पास 10:23 हो गए। चलें जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम।